अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा एक और लेक्चर टॉपिक है रिएक्शन क्वोशेंट। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी तरीफ, फिर इसके कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे, फिर इसका कंपैरिजन केसी के साथ करेंगे, एंड एंड में रिजल्ट इसका निकालेंगे इसका क्या सही है। पढ़ने क्यों जा रहे हैं हम वैसे? सर हम ये इसलिए पढ़े, एक होता है केसी एक होता है क्यूसी, उसका कंपैरिजन करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन प्रोडक्ट रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेट को बयान करने के लिए ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से, इट इज रेशियो, रेशियो टू थिंग्स ही होती है, इट इज रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ इधर छोटा सा, क्यू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ये करता क्या है, जैसा कि आपने क्वेश्चन भी किया, मेजर द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी टाइम। एक होता है केसी एक होता है क्यूसी, क्यूसी हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में, इसी को रिएक्शन क्वेश्चन कहते हैं। केसी होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें और क्यूसी में बेसिक डिफरेंस क्या है, केसी हम मेजर करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, मींस के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे हो रहे होते हैं, उस वक्त जो हम कांस्टेंट मेजर करते हैं उसे कहते हैं केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट के अलावा किसी भी वक्त रिएक्शन में, जब फॉरवर्ड जा रहा होता है बैकवर्ड आ रहा होता है, किसी भी टाइम इक्विलिब्रियम के अलावा जब हम वैल्यू निकालते हैं रिएक्शन क्वोशेंट की, तो उसे कहते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। तो ये हो गया इनका मेन पॉइंट, ये याद रखना है, बच्चों को कंफ्यूजन होती है इसमें, केसी एट इक्विलिब्रियम होता है, क्यूसी हम एट एनी टाइम निकाल सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अभी स्टूडेंट ने किया था, सर इसका पढ़ने का क्या फायदा है, इससे हम कंपैरिजन करते हैं क्यूसी एंड केसी का, क्यूसी रिएक्शन क्वोशेंट हो गया, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रिएक्शन बताता है, मींस कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा रिवर्स आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा, प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्टेंट बनेंगे, क्या होगा इनके कंपैरिजन से ये हमें पता चलता है। कंपैरिजन के तीन केस बनते हैं, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, नंबर सेकंड क्यूसी लेस देन केसी, नंबर थर्ड क्यूसी इक्वल टू केसी। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, इफ क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, जैसा कि मैंने ऊपर फार्मूला लिखा था दोबारा लिखता हूँ, क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। जब मैंने इधर लिखा है क्यूसी ग्रेटर देन केसी, क्यूसी ग्रेटर है क्यूसी और रिएक्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब क्यूसी ग्रेटर है रिएक्टेंट कम है, मींस के रिवर्स रिएक्शन विल प्रोसीड, रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा रिएक्टेंट बन जाएंगे, फेवर्स रिएक्टेंट फॉर्मेशन। यही मैंने कहा है क्यूसी और आर का इनवर्स रिलेशन है, क्यूसी ज्यादा रिएक्टेंट कम, रिएक्शन गोज थ्रू रिवर्स रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है रिएक्टेंट बनते हैं। तो ये याद रखना है कि इफ व्हेन एवर क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, जब भी रिएक्शन क्वोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से बड़ा होगा तो उस वक्त रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन में जाएगा और रिएक्टेंट की ज्यादा अमाउंट बनेगी, प्रोडक्ट कम होंगे। ये हो गया इसका नंबर वन केस। देखते हैं नंबर सेकंड केस, क्यूसी लेस देन केसी, मींस के रिएक्शन क्वोशेंट छोटा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इसमें क्या होगा क्यूसी ग्रेटर देन केसी के उलट केस होगा। फिर मैं वही लिखता हूँ क्यूसी का बेसिक फार्मूला, ये जब लेस है रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा अमाउंट में मौजूद है, तो ये क्या करेंगे रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके मेन दो पॉइंट्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड एंड फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जब कभी क्यूसी लेस देन केसी होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट ज्यादा मौजूद होंगे। नंबर थर्ड पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उस वक्त रिएक्टेंट की अमाउंट कम से कम मौजूद होगी। देखते हैं नंबर थर्ड केस, इफ क्यूसी इज इक्वल टू केसी, मींस के रिएक्शन क्वोशेंट हो गया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल अमाउंट में आ गए हैं, तो ये कौन सी स्टेट होगी, सिर्फ एक ही स्टेट होगी रिएक्शन में, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट हम पहले भी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि वो स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम रेट पे होते हो रहे होते हैं, कोई साइड फेवर नहीं होती, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है नो साइड इज फेवर, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है रिवर्स भी जा सकता है, ये हमारी कंडीशंस पे
डिपेंड करता है कि हम उससे की कंडीशन कंसंट्रेशन कहाँ से ज्यादा करते हैं कहाँ से कम करते हैं। यहाँ इस साइड से ज्यादा करेंगे वो अगली साइड की तरफ जाएगा।